अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज हम लोगों ने डेमो सेशन रखा था फिजिकली, तो जो स्टूडेंट यहाँ पर आकर कर गए हैं उन्हें तो प्रैक्टिस हो गई होगी, लेकिन एक क्विक और शॉर्ट टाइम में जो है मैंने ये कुछ क्लिप्स बनाए हैं जो आप लोगों के साथ शेयर करें, तो ये देख लीजिएगा। इसमें कोशिश तो की है कि सारी चीज़ें क्लियर हो जाएँ, कुछ ही चीज़ें जो हैं वो न्यूली ऐड की गई हैं, होपफुली आप लोगों को समझ आ जाएगा। मज़ीद अगर समझ नहीं आता, आप लोगों को लगता है कि आपको ट्राई करना चाहिए, आगे एक दफ़ा जो है खुद से भी देखना चाहिए, तो आप कैंपस में भी आकर कर सकते हैं। 17 या 16 से पेपर स्टार्ट हो रहे हैं, राइट? तो आपके पास एक दिन है, तकरीबन एक दो दिन है, तो कैंपस में भी आके कर सकते हैं, लेकिन इसमें से भी क्लियर हो जाएंगी आपको चीज़ें। एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर एग्ज़ाम्स। अस्सलाम वालेकुम, ये आपका इंटरफेस है, और जिसमें कि जब हम लॉगिन कर लेंगे अपने आईडी पासवर्ड से, तो इस तरह के आपके पास शो होगा, इंस्ट्रक्शन शो होती हैं। उसके बाद यहाँ पर आपके पास है, आई हैव आई कंफर्म दैट आई हैव रीड अबाउट इंस्ट्रक्शंस केयरफुली। जब तक आप इसको क्लिक नहीं करते, आपका पेपर स्टार्ट नहीं होता। इसको आप स्टार्ट करेंगे, उसके बाद यहाँ पर देखें कि आपके पास MCQ शो हो रहे हैं, नीचे एक बार शो हो रही है, और यहाँ समरी में यहाँ पर आपके पास क्वेश्चन नंबर शो हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर आपने कोई भी क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, उसको सेव करना है, मतलब सेलेक्ट करने के बाद सेव करना है, और फिर आप नेक्स्ट पे जाएंगे तो आपके पास इस तरह से ग्रीन अटेम्प्टेड आएगा। यहाँ पर एक ऑप्शन है फ्लैग का। फ्लैग करने का मतलब ये कि अगर आप कोई क्वेश्चन दरमियान में छोड़ देते हैं तो आपने बाद में उसको अटेम्प्ट करना है, तो फिर आपको पता चल जाएगा कि ये फ्लैग है। जैसे मैंने इस वाले को फ्लैग कर दिया, यहाँ पे मैंने सेकंड क्वेश्चन को फ्लैग किया। इसका मतलब ये है कि हम इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के बाद भी रिव्यू करेंगे, और अपने रिमाइंडर के लिए हमने इसको फ्लैग किया। जब मैं इस नेक्स्ट पे जाऊंगी तो आप समरी में देखें कि ये पर्पल हो गया। तो जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करते जाएंगे उनको एक तो आपने सेव लाजमी करना है, यहाँ पर परसेंटेज भी आ रही है, फ्लैग की भी ऑप्शन आ रही है, और टोटल क्वेश्चन भी आ रहे हैं, तो इन बटन से आप मूव फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, ठीक है, और फर्स्ट और लास्ट। तो अब हम इसी तरह से जो है ना, सारे फॉर एग्जांपल मैंने कर लिए हैं, यहाँ से आप जो है एंड वाले पे भी जा सकते हैं, और जो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया है आपने, इसको सेव करके हम फिनिश कर देंगे। जब आपने फिनिश करें तो ये देख लें कि आपके पास ये ऑप्शन आ रही है, सारा कुछ उसने बताया हुआ है कि आपने कर लिया, आप इसको करें, आप इसको कंफर्म करके फिनिश करेंगे तो आपका पेपर क्लोज हो जाएगा।